हमारे साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, पीएफ मेंबर हैं, तो आपके लिए एक अपडेट निकल के आ रहा है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं आपको रेगुलर पीएफ ईपीएफ से संबंधित अपडेट मिले, आप पीएफ ईपीएफ से संबंधित वीडियो बनाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैं पीएफ ईपीएफ के अलावा टेक्निकल हेल्प नॉलेज बेस्ड वीडियो भी लेके आता रहता हूँ। ऐसी वीडियो जिससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिले, उस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, कुछ सीख सको इस वीडियो से, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए आता रहता हूँ। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ईपीएफओ की तरफ से क्या नया अपडेट निकल के आ रहा है पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, पीएफ मेंबर के लिए अपडेट ये आ रहा है कि अब अपने हिसाब से कम पीएफ कटवा सकेंगे कर्मचारी, मिलेगी ज्यादा सैलरी। नौकरी पेशा लोग अब अपनी मर्जी से कम प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ कटवा सकेंगे। सरकार ने नए सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 में कर्मचारियों को यह सुविधा दी है। इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी और अब जल्द ही इसे संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। इस सुविधा से कर्मचारियों को मिलने वाली टेक होम सैलरी या सैलरी इन हैंड में बढ़ोतरी हो जाएगी। नए बिल में कहा गया है कि नियोक्ता यानी कि नौकरी देने वाली कंपनी, जो आपकी कंपनी रहती है, आपका जो एम्प्लॉयर रहता है, को अपना 12% का पूरा हिस्सा देना होगा। इस सुविधा से नियोक्ता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को कुल सैलरी का 12% अंशदान देना होता है। इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 है, उसमें केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के वर्करों का भी ध्यान रखा गया है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक रहेगा। इसमें उनके से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। इस कार्ड के जरिए असंगठित क्षेत्र के वर्करों को सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट निकल के आ रहा था, सरकार ने नए सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 में कर्मचारियों को यह सुविधा दी है। नौकरी पेशा लोग अब अपनी मर्जी से कम प्रोविडेंट फंड यानी कि अपना जो है पीएफ का जो पैसा है कम कटवा सकेंगे। तो ये एक अपडेट निकल के आ रहा था, लेटेस्ट अपडेट था पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए, पीएफ मेंबर्स के लिए सरकार की तरफ से। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इसको संसद में मंजूरी मिलेगी इस बिल को, और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा कब लागू होगा ये, और जो भी कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आगे जो भी कोई अपडेट आएगा संसद से, जैसे मंजूरी मिलेगी या जो है सरकार इसको ईपीएफओ जैसे ही लागू करेगी इसको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें पीएफ से संबंधित अपडेट पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये जो अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आया होगा। आपको ये अपडेट ईपीएफओ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। तो मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ आपके साथ एक और लेटेस्ट टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।